धनुर्विद्या में अर्जुन जैसा शूरवीर धनुर्धर सप्त सागर के इधर या उधर कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। है गुरुवर। आ गए महावीर, रास्ता देख रहा था तुम्हारा, तुम्हारा शौर्य जानकर भी अधीरथ बनाकर तुम्हें अपमान किया तुम्हारा, क्योंकि तुम यदि मेरे साथ होते सम्रांगण में, तुम्हारे युद्ध कला के प्रताप से पांडवों की हार निश्चित होती। मैं धर्म पक्षपाती पांडवों का विजयाभिलाषी होकर ऐसा घोर पाप कार्य किया है मैंने, जब तक तुम क्षमा नहीं कर देते, अपने हृदय से मन को शांति नहीं मिलेगी। पूजनीय, मुझसे क्षमा न मांगे, मैं अपने धर्म का पालन कर सकूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्नेह के लिए जीवन त्याग तुमने किया, त्यागमयी हो, भूमंडल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, चिरस्मरणीय होके जियो, चिरस्मरणीय होके प्रज्वलित हो। मद्रदेश नरेश को मेरा प्रणाम। आ जाओ। आगे बढ़ो। शल्य महाराज, आपके सारथ्य में महारथ बनकर अपने मित्र का मनोरथ पूर्ण करूंगा मैं। चलिए। वो देखो, कर्ण आ रहा है। मेरे भुजबल एवं शस्त्र सभी सम्रांगण में प्रयोग हेतु आतुर हैं। रथ कृष्ण अर्जुन की ओर लीजिए। कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने का सामर्थ है? पहले सामान्य सैनिकों का ही सामना करो। शल्य राजा, अपनी पक्षपाती बातें बंद कर दीजिए। उस पार्थ को धूल चटाने वाला वीर हूं मैं। चलिए। तुम पार्थ का सामना कर पाओगे? गांडीव धनुर्धर, धनुर्विद्या विशारद, ये पांडव कहां एवं कुरु कुमार के दासों का दास कर्ण कहां, चंद्रकुल वंशज अर्जुन कहां एवं नीच कुल में जन्मे तुम कहां? बस। नीच कुल का हूं तो भी, जिसका अन्न खाया है सदा ऋणी रहूंगा उनका। मैं तुम जैसा विश्वासघाती नहीं, कृतज्ञताहीन कृतज्ञ हो तुम।
वो देखो सामने कृष्ण अर्जुन। कितना बल पराक्रम है मुझ में दिखाता हूं अभी। ये नागास्त्र है, इसे एक बाण से कृष्ण अर्जुन दोनों ही मारे जाएंगे। कृष्ण के माया जाल के कारण लक्ष्य चूक गया, मुझे पुनः प्रयोग करें। चलाया हुआ बाण पुनः मोड़ूंगा नहीं, मैंने वचन दिया है, क्षमा कीजिएगा मुझे। हे माधव, मेरा मुकुट धरती पर गिरा, यश कीर्ति धूल धूसरित हो गया। व्यर्थ की चिंता छोड़ो अर्जुन, धैर्य रखो। वो देखो, भूदेवी का श्राप फलीभूत हो गया। बेटी, चोट तो नहीं लगी? आपने मेरा घी नीचे गिरा दिया। आओ मेरे साथ, दूसरा घी दिलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे यही घी चाहिए। भूमि में समाया हुआ पुनः नहीं मिलता बेटी। यदि मैं ये घी लेकर नहीं गई तो माँ मारेंगी। ठीक है, रोना नहीं। कर्ण, माता जानकर भी मेरे वक्ष स्थल को निचोड़ने वाला दुराहंकारी, रणभूमि में तुम्हारे रथ का पहिया ही भूमि में धस जाए, ये मेरा श्राप है। मां भूदेवी, युद्ध के इस निर्णायक समय में मुझे दिए श्राप को फलीभूत करना चाहती हैं आप, जैसी आपकी इच्छा। शल्य राजा, रथ को ऊपर उठाने में मेरी सहायता कीजिए। मैं केवल तुम्हारा सारथी बनकर आया हूँ, समझे? रथ निर्माण करने वाला सूत जाति का नहीं हूँ मैं। इस कार्य को तुम्हें स्वयं करना होगा। हे अर्जुन, बाण चलाओ उस पर। ठीक कायर, कृष्ण के कहने पर इतना नीच कार्य किया है तुमने। निशस्त्र योद्धा पर शस्त्र प्रयोग करना यही क्षत्रिय धर्म है। धिक्कार है तुम पे अर्जुन, ये भार्गवास्त्र है, तुम्हें एवं तुम्हारे समस्त सैन्य बल को भस्म कर देगा। ये मंत्र स्मरण क्यों नहीं हो रहा है? कर्ण, ये रक्त कैसे बहा? गुरुदेव, कीट दंश के कारण बह रहा है, आपकी निद्रा भंग न हो इसलिए सहता रहा। इतना धैर्य, स्थैर्य एवं वीरता क्षत्रियों में ही मिल सकते हैं। ए असत्यवादी, छल से जो तूने मुझसे सीखी है विद्या, उपयुक्त समय में वो तेरे काम नहीं आएगी, ये मेरा श्राप है। कर्ण, सबका श्राप एक ही समय फलीभूत हो रहा है, देवों की यही इच्छा है। अर्जुन, अंजलि का अस्त्र चला। अस्त्र
माधव दुर्मार्गी हारा एवं मरा। पार्थ, कर्ण ना तो दुर्मार्गी था ना वो दुर्भागी था। विप्र, परशुराम, भूदेवी, तुम्हारी माता कुंती, पिता इंद्र, शल्य, इन छह जनों के कारण ही कर्ण ने अपने प्राण गवाए हैं। हम तो केवल हैं निमित्त मात्र।